साथ जुड़ती है बात कि इसमें से मोटे तार को या ग्राम के बेस के तार को उन्होंने निकाले। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी म्यूजिकल नीड के मुताबिक ये देखा कि उनको उसकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उसको निकाल दिया। और जिसको उसकी ज़रूरत है म्यूजिकल टेक्निकली प्रैक्टिकली हमें वो 3.5 से 4 ऑक्टेव मिल जाते हैं उसमें, क्योंकि आपको एक बेस का भी मिल गया और बेस का साउंड, लेकिन इसमें आपको आधा ऑक्टेव कम मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अगर म्यूज़िक आपका पावरफुल है तो शायद उसकी उस तरह से वो ज़रूरत शायद महसूस नहीं होती, और अल्लाह आपका भला करे कि वो एक फिर वही बात कि आपके माइंड आप कौन सा, तो वो अफेक्ट के लिए तो ठीक है कि सडनली यू आर सडनली द बेस साउंड यू आर हियरिंग वाओ, लेकिन उसका वो अफेक्ट देखिए अगर उसमें म्यूजिक नहीं है, उसमें मज़ा नहीं है, तो वो थोड़ा सा इज ओके। लेकिन मैं उसको मैं वो नहीं कह सकता, उसका ज़बरदस्त अफेक्ट है और बड़ा अच्छा काम। तो ये मॉडिफिकेशन इसमें यानी कि फिर मैं कहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि हम या अगर ये कहें कि ये मेरी ईजाद है, ईजाद किसी की कोई नहीं होती, ईजाद हो चुकी होगी सब चीज़ें, मैं समझता हूँ कुदरत ने इसमें बास्केट में डाल के दे दिया, हम अपने अपने हिस्से की चीज़ें उठा रहे हैं। और वो अगर मेरे हाथ ये लग गई तो वो शायद मेरे नाम से हो गया, मैं खान साहब ने चेंज किया उनके नाम से। तो ये हो गया सितार की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं टेक्निकल सितार के ऊपर मैं आ जाता हूँ कि सितार बजता, सितार बजाने के लिए किन एलिमेंट्स की जरूरत है। नॉर्मली जो सिंपल सी बात है, आपको मिज़राब चाहिए, लेफ्ट हैंड से आपको स्लाइड करना है और प्लग करना है, जो कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है। अब सितार को बजाने के लिए जैसे तबले के बोल होते हैं, सितार के भी बोल होते हैं। सितार के कैसे, जैसे राइट हैंड में हमारे पास 3 बोल हैं, दा रा चिक। चिक छाले कौन बोलते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अब जितनी डेवलपमेंट होती है इन 3 बोलों में होती है, दा रा और ची। लेफ्ट हैंड में आपके पास कहें 8 से 9 बोल होते हैं, जिसमें हम कॉल करते हैं जमजमा। और क्या कहेंगे
साथ हम इसको करेंगे। तो ये सितार की बेसिक एलिमेंट्स जिससे सितार बजता है। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है बिस्मिल्लाह, देखें अब ये इसको हम कह, ये भी माइक्रोफोन है, ये भी माइक्रोफोन है। अब मैंने अपनी वोकल को एनहांस करने के लिए ये माइक्रोफोन लिया, अगर मैं इसको हटा दूँ तो मेरी आवाज़ अटकने लगेगी। ये तो इस दौर की मजबूरी है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त यानी कि इतना शोर और इतनी इसमें अफरा तफरी के ज़माने में वो सुकून तो है नहीं। मैं आपका पॉइंट समझ चुका हूँ कि अकूस्टिक की आप बात कर रही हैं कि अकूस्टिक साउंड वो बिल्कुल वो वाला साउंड तो नहीं रहता कि जो ओरिजिनल अगर आप घर में बैठ के सुनते हैं। लेकिन इस एनवायरनमेंट में अगर मैं वैसे बजाऊँगा तो शायद अगर मैं माइक्रोफोन लेके बात ना करूँ आपको मेरी आधी बात समझ आएगी आधी नहीं आएगी। लेकिन ये जो आप मेरी आवाज़ सुन रही है वोकल ओरिजिनल नहीं है। तो ये तो समझने की इस दौर की ज़रूरत है। इसको हमने हाँ इसमें जितना बेहतर से बेहतर आप माइक्रोफोन या जो इक्विपमेंट है वो ले सकते हैं ये आपको करना पड़ेगा कि इसकी साउंड क्वालिटी ऐसा बात ये नहीं होना चाहिए बस माइक्रोफोन हो और आवाज़ आ रही है उसकी आपको जितना उसकी प्योरिटी कायम रख सकते हैं। नॉर्मली तो ये हम जो भी मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ ये वायर आ गई है तो प्योरिटी तो ख़त्म हो गई, वो तो चीज़ ख़त्म होगी, वो तो हमें अकोस्टिक रखना है। लेकिन ये अब दौर की इस मजबूरी कह लें कि ये हमें लगाना पड़ेगा। तो इससे वो मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, प्योर साउंड तो नहीं है लेकिन इट इज़ आप ये कह सकते हैं कम्प्रोमाइज है, अच्छा कम्प्रोमाइज है। ये मेरी सोच है, आप आई डोंट नो अगर आप मेरे सवाल से मुत्तफिक हुए कि नहीं जवाब से। तो ये है और मेरा ख्याल में वक्त के साथ आपको चेंज भी करना थोड़ा सा अपने आप को एनवायरनमेंट को। अब एक ज़माना था हम इतना सुकून में थे, हम मोबाइल आने से कितनी सहूलत में आ गए लेकिन सुकून कम हो गया, सहूलत बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ वक्त के साथ आपको इसको हमें देखना है। तो ये जो एम्पलीफिकेशन ये बहुत बोला नहीं है कि आप ये सब ये जैसे इलेक्ट्रिक अफेक्ट्स या वो नहीं है, दिस इज सिंपल प्रीएम्प जो कि आवाज़ को वार्म कर देता है और क्या कहेंगे कि इसका क्लैरिटी जितना ओरिजिनल साउंड को वो कैच कर सकता है। इसमें कोई अफेक्ट नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसकी डैमेज करे। लेकिन अगर मैं टोटली प्योरिटी में जाऊँ तो हमें ये भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमें ओरिजिनल गाना बजाना पड़ेगा जो पुराने वक्त में होता उसके अभी भी होता है यूरोप में और अमेरिका में इस तरह के ऑडिटोरियम बनते हैं वहाँ माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन पे पैसे होती है उस फोन की कि आपको माइक्रोफोन की एक माइक्रोफोन लगा देते हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ती। तो वो फिर आपको पूरा वो जो ऑडिटोरियम है वो उसकी कंस्ट्रक्शन ही फिर वो अकूस्टिक करवानी पड़ेगी उसमें फिर ये हो सकता है। तो आपका सवाल ठीक था मेरा ख्याल में और जवाब आ जाऊँ आप लोगों को पसंद आए। सॉरी क्या आप जो ग्राम का तार डाला गया आप इनको माइक्रोफोन आप दे दें क्योंकि इससे ज़रा आसान हो जाएगा। जो ये ग्राम का तार निकाला इस ये आपकी जो तार था उसकी प्लेइंग आपकी म्यूजिकलिटी को रिस्ट्रिक्ट किस तरह करता है? नहीं देखें उसको मुझे ऐसा लगता था या मुझे लगता है कि मैं एक
वक्त बिजी है सिर्फ ऑप्टिक को तो मुझे आप ग्राम पे जाते हैं, एक आप फ्लो में जाते हैं। अगर आप देखें, अगर आप परफॉर्मेंसेस सुने, उसमें कोई वो जो उसका इस्तेमाल है, हम सुर मेरी थ्योरी के मुताबिक और मेरी अकल के मुताबिक या मेरी सोच के मुताबिक सुर बाहर में वो ठीक है, उसमें वो फिट बैठते हैं, लेकिन उसकी नेचर है। सितार में अगर देखें तो मेरा भी ख्याल कि 3 से 4 मिनट का परफॉर्म करते हैं आराम से, इससे ज़्यादातर तो वो बाज ही बजते हैं। अगर आप किसी भी बड़े से बड़े उस्ताद की भी अगर आप वो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें तो मेरे ख्याल देर इधर 1 आवर परफॉर्मेंस होगी तो उसमें से 3 या 4 मिनट का म्यूजिक उस पर होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। वो क्यों, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी अकल के मुताबिक, कि वो सिर्फ एक अफेक्ट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। एक वजह आपके पास एक ऑक्टिव आ गया, इज गुड, पियानो में 4 और 5 ऑक्टिव होते हैं, इज गुड, जितने आपके पास हो, लेकिन वो एक उसमें ये नहीं उसका इस्तेमाल भी फिर उस तरीके से हो, लेकिन आप खुल के इस्तेमाल करें। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे कोई मेरे म्यूजिक में कमी आ गई, मैं ये समझता हूँ मुझे शायद उसकी ज़रूरत महसूस नहीं, मुझे लगा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है, हो नहीं सकता, मुझे वाले साहब होते मुझे मार पड़ती होगा, लेकिन ये मेरी एक सोच है, मेरी मुझे पहले अपने मुताबिक चीज़ को देखना है। मेरे लिए जो मुकद्दम है वो म्यूजिक है, ये सब टूल है, ये सिर्फ आपको आपकी आइडेंटिटी के लिए भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिटी, वही वो ग्राम का कार्य इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करते, ये तो हो गया ये। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि ये फलाने बड़े उस्ताद, मैंने एक उस्ताद की मैंने पैरवी की, एक की मैंने तो अपने घर की वो कर ली ना, बगावत कर ली ना अपने घर में। अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो मुझे तो अगर मैं अपने वो फंडामेंटल टूल पे चलूँ, चाहे वो अच्छा बजाऊँ या ना बजाऊँ, मुझे तो बजाना है क्योंकि मेरे घर आने का नहीं। मैं ज़ाती तौर पे मुझे ये लगा कि मुझे वो चीज़ देखनी है जिसमें मैं फ्री हो के अपना म्यूजिक कर सकूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें 4 ऑक्टेव है, 5 ऑक्टेव है, मैंने ये वर्ड इस पर कह दी, अब मैं ये वाह, तो आप म्यूजिक का मजा नहीं शायद ले रहे, आप उस अफेक्ट का मजा ले रहे। तो ये मेरी सोच है, तो वो तो आप इलेक्ट्रॉनिक उसमें इतने अफेक्ट आ चुके हैं तो वो लोग इसी चीज का तो मजा लेते हैं। तो कोई चीज कम नहीं करती किसी की कमी से या इजाफा और उसको इजाफा नहीं करती। आपका यहाँ से म्यूजिक अगर अच्छा नहीं है, चाहे मैं डबल ग्राम का तार भी रख लूँ, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ म्यूजिक ठीक है तो कुछ लोगों ने एक तार में भी म्यूजिक बजा दिया। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मुझे उसकी नींद महसूस नहीं हुई। और वो और मैं स्टे उस पर मैं हैप्पी हूँ। हाँ, अब नॉर्मली सितार में एक हिसाब से बजाया जाता है, मैं धूम इसराब इस्तेमाल करता हूँ। अब ये मुझे शरीफ खान साहब से मिला और ये मैंने इसलिए लिया कि मुझे इसमें प्रैक्टिकली म्यूजिकली, ज़ाहिर है म्यूजिक जो प्रैक्टिकली चीज़ें मैं लर्न करता हूँ या जो मैं लेता हूँ वो म्यूजिक के लिए लेता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी कोई, अगर वो म्यूजिक के में फिट नहीं बैठती तो मैं, मेरे लिए वो सिर्फ एक ठीक है, वो एक मेरा एक साइन कह रहे हैं, जो घराना कह रहे हैं, दिस इज माई स्टाइल वो। लेकिन अगर वो क्योंकि मेरे लिए मेन चीज़ है म्यूजिक, अगर म्यूजिक अच्छा नहीं है, आप चाहे 100 तारों वाला सितार बना लें, अगर म्यूजिक अच्छा है तो 5, 6 तार, 7 तार भी इनफ है। तो अभी 2 मिसरा में इसमें मुझे प्रैक्टिकली मैंने अच्छा, इसमें मज़े की बात बताऊँ कि मैंने जब शुरुआत की तो मैं 2 मिसरा में गया, फिर आई थिंक 2000